सारा जो भी एक्शन होता है वो आईनी और कानूनी एक्शन होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हो रहा है आईन कानून के मुताबिक हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमारे 25 वोट फरमाया था कि नहीं गिनने, क्योंकि उन्होंने यानी पार्टी लाइन क्रॉस करके दी, आपको याद होगा, वरना हमजा के 197 थे, तो आज रन ऑफ इलेक्शन था, तो वही अब उन पर भी अप्लाई करेगा। अगर उनकी पार्टी ने फैसला किया है कि पीटीए के कैंडिडेट को वोट नहीं देना, तो फिर नहीं देना, वो वोट तो गिने नहीं जा सकते। चौधरी शुजात साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ओहदा देने जा रही है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई ट्रेडिंग थोड़ी हो रही है। उन्होंने अपना एक असूली फैसला किया, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने अपना बयान भी दिया कि जी मैंने पीटीआई के किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पिछले तकरीबन 3-4 दिनों में आपका आसिफ अली जरदारी साहब से बराबर रहा, और जो थोड़ा नीचे कर रहा वो हमारा रहता है जी, रहा काफी फ्रीक्वेंटली रहते हैं और रहा है, सही है। लेकिन आज जो पंजाब असेंबली में हुआ, ये ज्वाइंट स्ट्रेटेजी थी जिसके बाद ये आज डिलीवर हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही पॉलिटिकल वेरी मच आईनी कानूनी स्ट्रेटेजी है, नथिंग रॉन्ग इन दिस थिंग। और सर महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? महंगाई पे कल बात करेंगे, महंगाई इंशाल्लाह महंगाई भी कंट्रोल होगी जब ये बातचीत होगी।